गाड़ी को फाइंड करना है, मेरी गाड़ी किसी पार्किंग में खड़ी है, ये बटन प्रेस करने पे मेरे ये इंडिकेटर्स ब्लिंक करनी है, पार्किंग वगैरह में अपनी गाड़ी को आइडेंटिफाई करना। हाँ, मतलब कि फाइंड माय बाइक। हमारी रिमूवेबल बैटरीज होती हैं, तो अगर मैं की ली, इस की से मैं इसको ओपन किया तो ये मेरी बैटरीज के रिमूव की जा सकती है। अच्छा, टू बैटरी पैक है इसका। ये मेरी दोनों बैटरीज की रिमूव की जा सकती है इजिली। तो दोस्तों, फिर से हाजिर एक ताज़ा तरीन वीडियो के साथ में। ये है वीडा V1 EV, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, और यहाँ पे ये स्कूटर बहुत ही पावरफुल और बहुत सारी चीज़ों के साथ में लैस है। बहुत अच्छा इसके अंदर सारा सेगमेंट मिलता है, और ऑफ़र वगैरह प्राइस वगैरह। मैं हूँ सरस्वती मोटर राजापुर में, स्क्रीन पे आपको कॉल डिटेल्स आ रही होगी, आप यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे V1 जो ये वीडा की स्कूटर है, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्या कुछ इसके अंदर मिलता है आपको। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे SOS बटन भी होता है, जहाँ पे इंस्टेंट मैसेज चला जाता है जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट करने का बस ब्रेक प्रेस करना है, और ये बटन, ये मोटर आपको ऑन हो गया है। ओके, विजन विदाउट नॉइस, एवरीथिंग। इसकी स्पीड वगैरह क्या है? इसकी टॉप स्पीड जो इको मोड आती है, हमारी जो इको मोड है, इसमें 45 की टॉप स्पीड आती है इको मोड में। यही मोड में अगर चेंज कर देता हूँ आईफोन में, तो टॉप स्पीड आपकी 65 की आ जाती है। और यही स्पोर्ट्स मोड में चले जाते तो जी। तीन डिफरेंट मोड्स में है, और प्लस इसमें हमारा रिवर्स भी काम करता है। अच्छा, बैक भी हो जाती है, रिवर्स भी होता है। ओके, इसको भी देख सकते हैं। रिवर्स को यूज़ करने के लिए हमारा पावर मोड है, ब्रेक प्रेस किया, ई दबाया, हमारा ये फ्रंट, और ये किसी को थ्रॉटल को पीछे करेंगे तो टॉप स्पीड 3 की रहेगी। 3 की रहेगी, मतलब वो रिवर्स भी चलेगा। इनिशियल नहीं है, बस वो जो है नहीं, मैक्सिमम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आएगा। okay. रिवर्स भी काम करेगा। एंड इसके दो आउटपुट्स हैं, बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए दो पॉइंट्स हैं, एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट है हमारा। ओके, जो ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, जो फास्ट चार्जर सिटी में डेवलप हुई है उसके लिए। ओके, तो सेकेंडरी हमारा जो नॉर्मल होम अप्लायंसेस में चार्ज करने वाला पॉइंट है ये, जिसको हम चार्ज करने के लिए अपना नॉर्मल 5 एम्पीयर के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये अभी 5 एम्पीयर वाला ही मिलता है इसमें, लेकिन फास्ट चार्जर अवेलेबल सिटीज में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। चार्जिंग स्टेशन तो अंदर कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में डेवलप हो जाएंगे। ओके, एंड ये क्या ओपन रहता है? नहीं, यहाँ पे मैट लगता है। तो ये क्या, यहाँ पे बैटरी पैक दिया हुआ है समथिंग? ये ऑक्सिलरी बैटरी होती है इस मीटर को ऑन करने के लिए। अच्छा, मोटर से कोई रिलेशन नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ इसके डिस्प्ले को ऑन करने के और व्हीकल को ऑन करने के लिए। लेकिन रनिंग जो होगी वो इसकी मेन बैटरी से होगी। इस मेन बैटरी की बात करें तो आप अपनी मेन बैटरी, हमारी रिमूवेबल बैटरीज होती हैं, तो अगर मैं की ली, इस की से मैं इसको ओपन किया तो ये मेरी बैटरीज के रिमूव की जा सकती है। अच्छा, टू बैटरी पैक है इसका। ये मेरी दोनों बैटरीज की रिमूव की जा सकती है इजिली, और ये घर पे भी यहाँ पे लगा के चार्ज कर सकते हैं। अगर गाड़ी नीचे पार्किंग में चार्जर नहीं अवेलेबल है तो okay. कमरे में ले जाके चार्ज कर सकते हैं। कितने के जी की एक बैटरी? 8 kg के आसपास है, 8 किलो के आसपास। 8 किलो। और कितने घंटे में इसका चार्जिंग हो जाता है? ये फुल चार्जिंग 5 घंटे में होती है। 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ओके, ये बॉडी जो है टोटल फाइबर कंप्लीट फाइबर है। टोटल बॉडी का वेट 124 किलो के आसपास है। 12 इंच के टायर हैं। डिस्क में आपकी फ्रंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसका। हाँ, ये डिस्क ब्रेक है। और पीछे भी ड्रम ब्रेक है। ड्रम ब्रेकिंग क्या बोलते हैं उसको? इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं, क्योंकि मोटर पे। हाँ, ओ ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी इसमें MRF के टायर्स एंड मोटर पैक बहुत तगड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट मोटर से कोई बेल्ट और कुछ किसी तरह का हब नहीं है इसके अंदर में यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फुटरेस्ट वगैरह। देन इधर से भी देखें तो जगह थोड़ी सी कम, कि ये देखिए यहाँ पे अलॉयस काफ़ी अच्छे MRF के टायर्स। इस की से हम कुछ फीचर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे ये मेरा की है। ओके, मैं की से ये बटन प्रेस करूंगा, मेरा लाइट ऑन हो जाएगा। ओ,
फाइंड माय वे के लिए जैसे घर में अंधेरे में यहाँ पे गाड़ी की रोशनी से यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी अगर इसी से मैं अपनी गाड़ी को फाइंड करना है, मेरी गाड़ी किसी पार्किंग में खड़ी है, ये बटन प्रेस करने पर मेरे ये इंडिकेटर्स ब्लिंक करने पार्किंग्स वगैरह में अपनी गाड़ी को आइडेंटिफाई करना। हाँ, मतलब कि फाइंड माय व्हीकल जो है। और जो सीट ओपनिंग जो हम वहाँ से कर रहे थे, वो सीट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सीट ओपन। अच्छा, इस रिमोट। अरे वाह, ये सही है। अभी कितने की आ रही प्रयागराज? इसमें दो ऑप्शंस वेरिएंट आता है, V1 प्लस आता है, V1 प्रो आता है। V1 प्लस का एक शोरूम 1,19,900 रुपया है और V1 प्रो का 1,49,900 रुपया है। तो जो V1 इस समय फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहे हैं हमारे। अच्छा, तो ऑनलाइन पेमेंट करने पर 1,19,900 का व्हीकल आपको सिर्फ 94,000 के एक शोरूम पे मिल जाएगा। ओके। और वही V1 प्रो की बात करेंगे तो 1,49,900 का एक शोरूम वैल्यू आपको 1,10,000 पे मिल जाएगा। मतलब उस हिसाब से ज्यादा सही है। कहने की बात करें तो V1 प्रो में थोड़ी रेंज हायर मिल जाती है, पावर थोड़ा सा बैकअप जो अपना बैटरी है उसके ज्यादा उधर बैटरी हो जाती है, थोड़ी कंजप्शन आपका स्लो होता है उसमें, तो उसमें रेंज थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। इसमें 100 की रेंज मिलती है, उसमें 110 की रेंज मिल जाती है प्रो वेरिएंट में। डेमोग्राफी गाड़ी की सेम है, दोनों देखने में सेम है, प्राइस की बात में सिर्फ 15,000 का डिफरेंस आता है दोनों गाड़ी में। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको प्रयागराज से हैं और वीडा इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना है, तो आप सरस्वती मोटर्स विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे कॉल डिटेल्स वगैरह आ रही है, यहाँ पे आइए और ऑफर का फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ राइड।